फेवरेट कलर। हाँ बच्चे, आपका फेवरेट कलर है, इसीलिए तो लगाया है। अरे समीर भैया, ग्रीन। रेडी जी। ये क्या मुसलमानों वाला रंग चढ़ा दिया आपने जाली पे? और कोई रंग नहीं मिला आपको? अरे हटाओ इसे और कोई और रंग चढ़ा दो जाली पे। ये रंग तो नहीं बदलेगा। अरे क्यों नहीं बदलेगा द्विवेदी? नहीं, आपने पलटी तो नहीं मार ली उस तरफ? पंडित जी, ये एक मासूम बच्ची की खुशी का कलर है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आप ऐसी बात कर रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुंभा जोड़ा। तब हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत। हटा दो ये रंग, वरना वो मुसलमानों के मोहल्ले में रहने चले जाओ, समझे? पंडित जी, ये रंग तो नहीं हटेगा, क्योंकि ये हमारी चुटकी का पसंदीदा रंग है। अरे बच्चे क्या जानते हैं कौम का रंग क्या होता है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। अच्छा, आप तो सबसे बड़े हैं, फिर भी आप सबसे ज्यादा बच्चों वाली बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, फसल का रंग कौन सा होता है? हरा ही होता है ना? सुहागन हरी चूड़ियां क्यों पहनती है बताइए? होली के दिन हरा रंग क्यों खेला जाता है? और जिस तिरंगे को आप सर ऊंचा करके लहराते हैं, उसमें भी तो हरा रंग ही तो होता है, होता है ना? वैसे भी ये हमारा घर है, हम जो चाहे रंग घर में लगा सकते हैं। भाषण अच्छा दे देती हो है? जितनी जल्दी हो सके हटाओ इस रंग को। ये रंग तो अब नहीं बदलेगा, इससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी सोच बदलिए। चलो बेटा। शुभांगी, बच्चे आ जाओ। हाँ मम्मा। चलो ये पी लो फटाफट। मम्मा वो अंकल कौन थे जो इतने जोर से बोल रहे थे? कोई नहीं, तुम इन सारी बातों पे ध्यान मत देना, तुम्हारे कान ऐसी चीजें सुनने के लिए नहीं बने, समझी? तुम्हें ऐसी आवाजें सुनना चाहिए, समझी? जाके देख के आए क्या कौन इतना अच्छा तबला बजा रहा है? चलो। जो रही बात हिंदू मुस्लिम बच्चों को एक साथ खिलाने की, उसकी इजाजत तो मैं अब भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो दोनों मजहब के लड़के अलग अलग केमिकल लेके चलते हैं, एक साथ मिला दोगे ना तो धमाका होगा। मम्मा वो अंकल कौन थे जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे? अरे मैडम, आपको कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ दो ही दिन हुए आए हुए। कितनी बार कमेटी वालों से कह चुका हूँ, मगर वो सुनते ही कहाँ है। हमारी बात को एक कान से लेते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं हर नए दिन को एक अवसर के रूप में देखकर खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी। कोई भी परेशानी अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती।
आई विल प्ले एंड आई विल विन. कहीं भी कोई गड़बड़ हो तुरंत एक्शन में आ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा. अब पुलिस से डरोगे तो काम कैसे होगा हैं? वो ठीक है वर्मा जी, लेकिन सभा सदी में आपके सामने कोई नहीं खड़ा होना चाहिए. अरे लेकिन अबे सब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? गरीब बच्चों के खाने में छेड़छाड़ी करोगे तो कीड़े पड़ेंगे सबके. याद रखना संजय सिंह की ये बात. हाँ वर्मा जी, क्यों आ रहे हैं सब? तुम लोग सब भाग जाओ, जाओ. अरे संजय आजा, क्यों जल घूम रहा है? आ बैठकर बात करते हैं. प्रिंसिपल ने मुझे सब बता दिया है, साइन करा लो उससे. और अच्छे से खाना भी नहीं जाता, अरे घी तो मिलता ही नहीं बच्चों को. भानु प्रताप जी जानते हैं इसके बारे में, अगर उनको पता चल गया तो तुम लोग तो गए. देखो संजय, पार्टी खाली बातों से नहीं चलती, पार्टी फंड के लिए ये सब करना पड़ता. रही बात भानु प्रताप जी की, तो उनको भी कई सारे प्रोग्राम करने पड़ते हैं. पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए, कहाँ से आएंगे पैसे हैं? और इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है. वर्मा जी मेरी बात अपनी आँख कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए. एक खिड़की दरवाजे के कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट पे सब पे साइन कराना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज के बाद अगर बच्चों के खाने में कोई भी छेड़खानी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. ये संजय सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये नहीं. मैडम जी आज हमारा नंबर है, पहले आज हम खेलेंगे. ऐसे कैसे? हम पहले आए थे, खेलेंगे हम ही. अबे सम पहले हमने गाड़े थे, तो तू कैसे खेलेगा बे? मैडम जी आए पहले हम थे तो हम ही खेलेंगे. अबे ओए चुप चुप. यहाँ खेलना सबको है, सीखना किसी को नहीं है. हम तो सीखना चाहते हैं मैडम, पर यही नहीं चाहते कि हमारी अच्छी टीम बने. अच्छा जब मैच खेलने का मन करे ना तब खेलने आ जाना, धूल चाटते देखोगे सब. मैडम जी आज पहले आप हमें खेल दो. मैच खेलोगे? हाँ एक दूसरे के साथ तो छोड़ो, एक दूसरे के सामने भी नहीं खेलते तुम लोग. और मैच खेलना है वरना इतने से सामान में सब साथ खेल सकते हैं. ये साथवाद वाली बात छोड़ो मैडम, और अभी ये रोज रोज का डंटा खत्म करो. एक काम करते हैं, एक दिन हम खेलेंगे और एक दिन ये. तो आज कौन खेलेगा? हम. अबे चल बे चलो चल. ए, एक एक मिनट. तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे? टॉस करते, ये डिसाइड करेगा कौन पहले खेलेगा. और आज से तुम लोगों की टीम का नाम है, तुम लोग हो हर टीम और तुम मर टीम. समझ गए? हेड्स आएगा तो मर्टी, टेल्स आएगा तो हर्टी. ओके ठीक है मैडम. हेड्स. हेड्स. परवेज बॉलिंग करोगे. ले बशीर बोंडलाल. कुछ बताऊं? तुम बॉलर बहुत अच्छे हो,
लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट बॉलिंग करते हैं। थोड़ी सी टेक्निक सीख लोगे ना तो बॉल को अच्छे से स्विंग कर पाओगे। ये देखो, बॉल की जो सीम होती है ना, उसके ऊपर दो उंगलियां ऐसे पकड़ के बॉल को ऐसे ग्रिप करते हैं, और ये हाथ सीधा 90 डिग्रीज में कानों की लाइन में ऐसे आके सीधा ऐसा बॉल गिरना चाहिए। यार ये तो सब गड़बड़ हो रही है यार, ये लोग क्रिकेटर बन रहे, हम लोग दर्शक बने जा रहे। यार ऐसे चलता रहा तो सब ये लोग तो सब सीख जाएंगे। आराम से। ये देखिए, ये आखिरी बचा था, ये भी गया। कब आ रही है स्पोर्ट्स कमेटी? आ जाएंगे 2-3 दिन में मैडम। वैसे एक बात बताऊं मैडम, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग तो रूटीन विजिट पर आ रहे हैं, कुछ नहीं लेकर आएंगे वो लोग। उनके मन की बात है मैडम, उनका मन चाहा तो समोसा खाने जगतपुरी चले जाते हैं, उनका मन चाहा तो यहाँ कचौड़ी खाने आ जाते हैं, उनके मन की बात है। चलिए एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उन्हें बता देते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, समझाते हैं उन्हें हमारी जरूरतें क्या है। आप समझाइए मैडम उनको, वो लोग तो दूसरों को समझाते रहते हैं। और एक बात बताऊं मैडम, ये जो आप पर्चा बना रही है ना, इसी पर्चे पर वो लोग कचौड़ी रखकर खाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मिश्रा जी, आपकी सोच इतनी नेगेटिव क्यों है? जब से आपसे मिली हूँ मैंने कभी आपके मुंह से कोई हिम्मत वाली बात नहीं सुनी। तो मैडम हिम्मत हिम्मत छोड़ी ही कहाँ है लोगों ने मैडम। जाने दीजिए मैडम, ये हिम्मत हिम्मत वाली बात, दूसरा कुछ बोलिए। आप कमेटी वालों को प्रॉब्लम बताते रहे ना, वो लोग कचोरी अच्छी है या नहीं ये बताकर निकल जाएंगे। मिश्रा जी, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आपको लोग कैसे ट्रीट करेंगे, और वैसे भी लड़ाई किए बगैर हारने की मुझे आदत नहीं है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका हूं मैडम, अब उनसे उलझने से कोई फायदा नहीं है। अब उनसे उलझना मैं अपनी बेवकूफी समझता हूँ, आधी उम्र हो गई है उनको देखते देखते, लेकिन वो लोग नहीं सुधरने वाले। और एक बात बताऊं मैडम, वो लोग जिस तरह बात करते हैं ना, एक खुददार आदमी एक सेकंड भी उनकी बात नहीं सुन सकता, इसलिए मैंने उनसे उलझना ही छोड़ दिया। हर वक्त मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे सर जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ स्पोर्ट्स कमेटी वाले आ गए हैं, प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया है। अरे आप तो कह रहे थे 2-3 दिन में आएंगे। बड़ी लंबी उम्र है उनकी। अरे मैडम उनका क्या है, घूमते घामते आ गए कचोरी खाने के लिए।
तो चलिए बात करते हैं उनसे। मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या, कौन बात करेगा उनसे, कौन उलझेगा उनसे? मैडम आप जाइए। अरे प्रिंसिपल साहब, चाय तो आ गई, कचौड़ियाँ कहाँ हैं? पता है आपकी कचौड़ियों की तारीफ हम सारे स्कूलों में करते हैं। तो मुंह में पानी आ गया, बस जल्दी से कचौड़ियाँ मंगवा लो। एक्सक्यूज मी सर। आइए मिश्रा जी आइए, इतनी बड़ी तोल लेके कहाँ घूम रहे हैं? अरे खुद ही खाएंगे या हमारे लिए भी कुछ मंगाएंगे? अरे इतना खा के आप दौड़ लेते? इनसे मिलिए, ये है मिस धरा, क्रिकेट टीम की नई कोच। हेलो। हेलो। अरे भाई मिश्रा जी की छत्र छाया में रहोगे ना, काफी सीखने को मिलेगा। और एक बात उनने कमाल की है, ये आदमी किसी काम के नहीं है। अरे भैया अगर यहाँ की कचौड़ियाँ अच्छी हैं तो सारी कचौड़ियाँ आप ही खा जाओगे। इनका पेट देखिए, लगते हैं कैसे स्पोर्ट टीचर। अरे स्पोर्ट टीचर कम, हलवाई ज्यादा लगते हैं। खड़े होने के लिए भी इनको सारे की जरूरत पड़ती है। अरे मिश्रा जी बैठ जाइए, थक गए होंगे। जाइए कचौड़ियाँ लेके आइए, चटनी थोड़ी ज्यादा डलवाना। कचौड़ी मैं आपको बाद में खिलाऊंगी, पहले जरा यहाँ की हालत देख लीजिए। इक्विपमेंट्स नहीं है बच्चों के पास, थोड़ा इसके बारे में सोचिए। ये जॉब है आपकी। मुझे मत बताइए मेरी जॉब क्या है। और रहा आपके प्लेयर्स का सवाल, तो इस काबिल नहीं है सरकार उन पे खर्चा करे। आपको कैसे पता वो काबिल है या नहीं है? आपने कभी देखी है उनकी गेम? देखा है उन्हें खेलते हुए? कैसे देखेंगे, आप तो सिर्फ यहाँ कचौरी खाने आते हैं। बेटा मुझे मालूम है कौन कैसा खेलता है, जितनी आपकी उम्र है ना उससे कई ज्यादा साल मैंने इस डिपार्टमेंट में गुजार दिए, समझी? कुछ पता नहीं है आपको। आपको ये पता है यहाँ की क्रिकेट टीम में प्लेयर्स कितने हैं? बताइए। शांत मिश्रा जी, स्पोर्ट्स रूम खुलवाइए, चल के वहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं। जी सर, आइए दराज। देखा आपने कैसी बातें कर रहे थे मेरे बारे में? अरे बेइज्जती की भी हद होती है मैडम, हर बार यही काम करते हैं लोग। हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, इन लोगों को बच्चे दिखाई ही नहीं देते हैं। आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई है करप्शन की इन लोगों ने। औकात ही क्या है हमारी। वैसे कहने को तो मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, लेकिन जब ये लोग आते हैं तो मुझे इनका नौकर बनना पड़ता है। बाहर से कचौरियाँ लाओ, इनको खिलाओ। अभी देखिएगा आप, ये लोग पूछेंगे कि ये सामान कहाँ से आया, हिसाब मांगेंगे मुझसे सामान का, जो सामान कभी था ही नहीं। अरे भाई गेम है, बल्ले तो टूटते ही हैं। बोलेंगे कि ये बल्ला टूटा तो टूटा कैसे? आप फिक्र मत कीजिए, आज सारा हिसाब निकालेंगे इनका। ताला खोलो। अरे क्या मिश्रा जी, ऐसा कौन सा खजाना छुपा के रखा है जो इतना बड़ा ताला मारा है? अरे सर आपके होते हुए कोई खजाना हो सकता है यहाँ? मैडम ज्यादा इंटरफेयर मत करिए, आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए, समझी? मैं अपना काम ही कर रही हूँ सर। हम भी अपने ही काम कर रहे हैं। चलिए अंदर। चलिए। लिखो। यस सर। 5 फुटबॉल, 6 क्रिकेट बैट और 6 क्रिकेट किट लिख लिया? यस सर। अरे
ये सारी चीजें तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे जो नहीं है मैडम वो भी देख लिया करो, सपने देखती हो ना आंखें बंद करके, तो समझो सपना देख रहे हैं, सपने में सब कुछ दिख जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।